हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर ओप्पो मोबाइल में इंटरनेट डेटा कम चलाते हैं और अपने आप ही पूरा इंटरनेट ख़त्म हो जाता है तो कैसे सही करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर की साइड अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है, फिर यहाँ सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद नेटवर्क प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऑटो डाउनलोड प्रेफरेंस पे क्लिक करना है और यहाँ से आस्क मी एवरी टाइम पे क्लिक करना है, डन कर देना है। फिर दूसरे वाले पे क्लिक करना है और फिर देखिए डोंट ऑटो अपडेट ऐप पे क्लिक करके डन कर देना है। फिर तीसरे वाले पे क्लिक करना है और डोंट ऑटो प्ले वीडियो पे क्लिक करके डन कर देना है। फिर बैक आना है। तो हम बैक आते हैं, अब YouTube को ओपन करना है। यहाँ पर ऑटो देखिए प्ले वीडियो होता है अपने आप ही। अब आपको ऊपर की साइड अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले जनरल पे क्लिक करना है और यहाँ देखिए एक ऑप्शन है, फिर आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्ले बैक इन फीड, इस पर क्लिक करके इसे ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद बैक आना है। अब यहाँ पर आपको दूसरे वाले देखिए सेटिंग पे क्लिक करना है, डेटा सेविंग, और डेटा सेविंग मोड यहाँ से चालू कर देना है। देखिए यहाँ पर चालू कर दिया हमने। अब बैक आते हैं। अब यहाँ पर देखिए वीडियो क्वालिटी पे क्लिक करना है और यहाँ अगर डेटा सेवर पे एक क्लिक नहीं रहेगा, वैसे जैसे ही डेटा सेवर ऑन करेंगे तो एक क्लिक हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए क्लिक कर देना अगर क्लिक नहीं रहेगा तो। फिर आपको बैक आना है। अब देखिए अपने आप वीडियो प्ले नहीं होगा, अपने आप ज़्यादा MB यूज यहाँ से नहीं होगा। अब सिंपली बैक आते हैं। अब फेसबुक को ओपन करना है तो हम फेसबुक को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ऊपर की साइड थ्री लाइन पे क्लिक करना है, सबसे नीचे आना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है, फिर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मीडिया नाम का, यहाँ पर आप देख लीजिए इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है मीडिया वाले। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर डेटा सेवर रहेगा, इसे यहाँ से चालू कर देना है। चालू करने के बाद यहाँ पर नेवर ऑटो प्ले वीडियो का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। देखिए हमने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद सिंपली बैक आ जाना है और फिर से एक बार क्लिक करके चेक कर लेना है सेटिंग सही हुई कि नहीं। देखिए डेटा सेवर ऑन हो गया है, नेवर ऑटो प्ले वीडियो भी ऑन हो गया है। अब बैक आते हैं। अब वीडियो अपने आप प्ले नहीं होगा। अब गाइस जब भी हम अपने इंटरनेट को चालू करेंगे तो अपने आप फेसबुक से और यूट्यूब से और यहाँ पर प्ले स्टोर से MB यूज नहीं होगा, अपने आप इंटरनेट ख़त्म नहीं होगा। और इस तरीके से आप अपने MB को बचा सकते हैं और जब आप चलाएंगे जितना उतना ही यूज होगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।